गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम आर साइंस बुक ऑफ क्लास 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आप भली भांति जानते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक तो आप जो ज़्यादातर आजकल हमारे खिलौने और बहुत सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक की बनी ही हमको मिलती हैं, और सिंथेटिक फाइबर की बात कीजिए तो फाइबर मतलब होता है कपड़ा, सिंथेटिक फाइबर मतलब आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल कपड़ा। एक तो होता है नेचुरल क्लोथ, एक होता है आर्टिफिशियल जो कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो आपको बताऊं कि सबसे पहले जो भी कपड़े आप पहनते हो वो किससे बनते हैं, वो सब फैब्रिक से बनते हैं। जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो कपड़े से बनते हैं, उसी को फैब्रिक कहा जाता है। और फैब्रिक किससे बनता है, फैब्रिक बनता है फाइबर से। किससे बनता है, फाइबर से। और फाइबर किससे मिलता है, फाइबर हमें नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल तरीके से मिलता है। फाइबर कैसे मिलता है हमें, इट मे बी नेचुरली और आर्टिफिशियल सोर्स ऑल्सो। अब ऐसे ही कुछ अगर हम बात करें कपड़ों की, तो आप बताइए जैसे कॉटन ले लीजिए, सिल्क ले लीजिए, वेलवेट ले लीजिए, सब कपड़े हैं, दीज आर ऑल द फाइबर्स ओनली। तो ऐसे फाइबर्स जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे कॉटन, कॉटन खेतों में उगता है और वो हमें नेचुरली मिलता है, तो वी कॉल इट नेचुरल फाइबर। दूसरा आप ले लीजिए जैसे सिल्क की बात करें, तो सिल्क भी हमको नेचुरली मिलता है क्योंकि सिल्क वॉर्म से मिलता है। फिर हम दूसरे जो तरह के जो फाइबर्स रहते हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर, जैसे कि पॉली कॉटन आता है, टेरी कॉटन आता है, तो ये सब जो हैं ये हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ पर कुछ नेचुरल फाइबर की एग्जांपल है, देखिए कॉटन है, वुल हमें शीप से मिलती है, और सिल्क, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं। इसके अलावा सिंथेटिक की बात करें जो कि इंसान अपने हाथों से बनाता है, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, जिसको हम मैनमेड फाइबर भी कह सकते हैं, सिंथेटिक या फिर मैनमेड फाइबर। अब अगला हमारा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानना कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। अब देखिए जिस प्रकार एक माला को बनाने के लिए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे मोतियों को मिलाकर एक माला बना दी गई है, कैसी है, मोतियों को मिलाकर क्या बना दी गई माला। अब आप देख रहे हैं ये पेपर क्लिप्स हैं आपकी, ये आप देख रहे हैं जो अपने स्क्रीन पे, ये है पेपर क्लिप्स। उन पेपर क्लिप्स को जब हम जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से देखिए एक चेन बन जाती है, तो एक लंबी चेन बन जाती है। तो यही सिमिलरिटी है फाइबर के बीच में भी, सिंथेटिक फाइबर हम कहते हैं इसको। देखिए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टूगेदर। सिंथेटिक फाइबर भी एक स्मॉल यूनिट्स को जोड़कर साथ में एक चेन बनाई जाती है, तो बनता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर में हर एक जो छोटी यूनिट है वो क्या है, नेचुरल नहीं है, वो केमिकल सब्सटेंस है। नेचुरल मतलब जो नेचुरली हमको मिलता है, और यहाँ पर हम नेचुरल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केमिकल सब्सटेंस की। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड फाइबर्स। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स को मिलाकर बनता है पॉलीमर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक पेपर क्लिप जो आपने लगाई है, ये एक पेपर क्लिप अपने आप में एक क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है। और ऐसे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस, समझिए कि एक पिन जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है, और एक पिन को मिला, बहुत सारी पिन को मिला के आपने बना लिया एक पॉलीमर। सो द वर्ड पॉलीमर, पॉलीमर के बारे में थोड़ा जानेंगे। पॉलीमर जो है वो ग्रीक वर्ड से हमको मिलता है, दो ग्रीक वर्ड से। पहला होता है पॉली, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, पॉली मतलब मैनी, यानी कि बहुत सारे, मर मीन्स पार्ट या यूनिट्स हम कह सकते हैं, कि बहुत सारे जब हम पार्ट्स को जोड़ देते हैं तो बनता है पॉलीमर। सो पॉलीमर को हम रिपीटिंग यूनिट के नाम से भी बोल सकते हैं। रिपीटिंग यूनिट इस तरह इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर पिन के बाद पिन, पिन के बाद पिन, ये रिपीट होती जा रही है, तो इसको हम रिपीटिंग यूनिट भी कह सकते हैं। पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर जो है नेचर में भी मिलता है, हमें नेचुरली भी मिलता है, जैसे कि कॉटन, कॉटन जो है इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्युलोज। सेल्युलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। अब पॉलीमर जो है, कॉटन भी एक पॉलीमर है, और कॉटन किससे बनता है, सेल्युलोज से बनता है। सेल्युलोज क्या है, वो अलग अलग मतलब सेल्युलोज जो है वो बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स को मिलाकर, यानी कि एक ग्लूकोज यूनिट फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरह करें बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स को मिलाकर बनाते हैं हम पॉलीमर कॉटन। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब हमने कॉटन तो हम जानते हैं, नेचुरल कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वुल हो गया, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कुछ दूसरी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, जिनके बारे में मेरे ख्याल से आपने अपने पेरेंट्स से सुना जरूर होगा कपड़े की वैरायटी के बारे में, लेकिन अब हम देखते हैं रेयन। रेयन किसको कहते हैं, यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क वॉर्म से जो सिल्क हमें मिलता है वो चाइना में डिस्कवर किया गया था, और काफ़ी समय तक इसको सीक्रेट रखा गया था ताकि लोगों के सामने ये ना आ सके। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज कॉस्टली। सिल्क फाइबर जो था वो बहुत ही
कॉस्टली भी था, क्या था वो, बहुत ही ज़्यादा महंगा, क्योंकि आप जानते हैं सिल्क वॉर्म जो होता है बहुत छोटा सा रहता है, और उससे जब आप बनाते हैं सिल्क, सिल्क ऑब्टेन करने का जो फॉर्मूला है यानी कि जो तरीका है वो भी काफ़ी मुश्किल रहता है, तो ऐसे में वो महंगा होना उसका स्वाभाविक है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, फैसिनेटेड एवरीबॉडी, लेकिन इतना सुंदर होता है सिल्क की कोई भी देख के इसको उसकी तरफ ललचा जाए। तो कोशिश की जाने लगी कि जो लोग एक नेचुरल सिल्क जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन लोगों को आर्टिफिशियल सिल्क प्रिपेयर करने की कोशिश की जाने लगी, जो कंपैरेटिवली सिल्क से काफ़ी सस्ता होगा रियल सिल्क से। और 19th सेंचुरी के एंड की बात की जाए तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा फाइबर बनाने में सफलता हासिल की जो कि सिल्क जैसा ही दिखता है। इस फाइबर को केमिकल ट्रीटमेंट से पाया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, जो लकड़ी रहती है, लकड़ी के बुरादा, बुरादा मतलब उसकी जो छाल रहती है यानी कि उसका जो अपर पार्ट रहता है, लकड़ी का जो अवशेष रहते हैं उसको जब इन्होंने ट्रीट किया केमिकली तो हमें मिल गया रेयन, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। तो रेयन का दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेंड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, अब जो रेयन है वो हमें मिलता किससे है? वुड पल्प से मिलता है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो नेचुरल सोर्स हुआ, येट इट इज़ अ मैनमेड फाइबर, लेकिन फिर भी इसको मैनमेड फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको केमिकली हम प्रिपेयर करते हैं। एंड इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, तो ये जो हमारा रेयन है ये काफ़ी सस्ता भी है सिल्क से, और इससे सिल्क फाइबर की तरह ही कपड़े बनाए जा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और सिल्क के जो रेयन है इसको आप अलग अलग कलर्स में भी डाई कर सकते हो। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विद वुल टू मेक कारपेट, रेयन जो है इसका उपयोग किया जाता है कॉटन के साथ मिक्स करके इससे बेडशीट्स बनती हैं, और वुल के साथ मिक्स करके इससे कारपेट्स भी बनाए जाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से साइंटिस्ट ने एक ऐसा सब्सटेंस बनाया, एक ऐसा फाइबर बनाया जो कि सिल्क की तरह ही दिखता है लेकिन सिल्क की तरह महंगा नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो क्लोथ टाइप है वो है नायलॉन। कौन सा है ये? नायलॉन। नायलॉन जो कि ये दूसरा मैनमेड फाइबर है जिसको 1931 में बनाया गया था, और इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया, यानी कि इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ नहीं किया गया था। इट वॉज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, इसका इसको बनाने का तरीका देख लीजिए, कोयला, पानी और हवा से बनाया गया है। इट वॉज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला पूरे तरीके से बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था। हमने देखा था कि रेयन जो था उसमें इन्होंने वुड पल्प का यूज़ किया था, वुड का यूज़ किया था, लेकिन नायलन जो है उसमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया, ऐसी इसमें बनाया गया था कोल और वाटर की मदद से, साथ में एयर का यूज़ किया गया था। नायलन फाइबर की बात करें तो इसकी क्वालिटीज़, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट वेट था, बहुत ही लाइट है। इट वॉज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये चमकदार होता है और इसको वॉश करना काफ़ी आसान रहता है, इस कारण से ये कपड़ों में काफ़ी पॉपुलर होता गया, यानी कि इसकी जो प्रसिद्धि थी वो बढ़ती गई। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलन, आज हम बात करें तो हम नायलन से बनी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिसके आप जानते हैं सॉक्स भी इससे बनती हैं, रॉप्स, रस्सियाँ बात करें, टेंट्स की बात की जाए, टूथब्रशेस की बात की जाए, कार, सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एट्सेट्रा। इसमें आपको सबसे अगर ईजी तरीका बताऊँ तो आप गाड़ी के अंदर जो सीट बेल्ट लगा कर बैठते हैं वो आप देखिए कैसा मटेरियल होता है, काफ़ी सॉफ्ट भी होता है, लचीला भी होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहता है, इसीलिए तो वहाँ पे उसको दिया जाता है ताकि वो सेफ्टी के लिए आपके काम आए। तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सब बनती है किससे? नायलन से। और यहाँ पर आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं। इज नायलन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट कैन मेक नायलन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, क्या नायलन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे आप पैराशूट्स वगैरह भी बना सकते हैं? नायलन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, येस ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे पैराशूट्स भी बनते हैं और रॉक क्लाइंबिंग जो पहाड़ पे चढ़ते हैं जो पर्वतारोही वो रस्सियाँ जो होती हैं वो भी इससे बनाते हैं। नायलन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, देखिए दैट्स द अमेजिंग फीचर ऑफ दिस फाइबर। तो नायलन जो है इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि स्टील वायर से भी इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के द्वारा इसको बताया दर्शाया गया है कि किस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आगे हमारा टॉपिक पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ये दोनों का नाम भी आपने सुना होगा, पॉलिस्टर कहते हैं इसे हम और दूसरा है एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है, और फैब्रिक जो है
फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। पॉलिस्टर जो है उसको जब हम बोलते हैं ना आयन करना पड़ता है कपड़ों को, कुछ शर्ट्स वगैरह या जीन्स पैंट्स वगैरह रहती हैं जिनको हम आयन किए बिना पहन ही नहीं सकते, उसके ऊपर इतने ज़्यादा सिलवटें पड़ जाती हैं कि वो बिना आयन किए पहनने लायक नहीं रहता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पॉलिस्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर रिंकल नहीं पड़ते हैं, जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। ये एकदम सीधा साधा रहता है, यानी कि इसके ऊपर सिलवटें नहीं पड़ती हैं और वॉश करने में बहुत आसान रहता है। सो इट इज़ क्वाइट सुइटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसी कारण से इसका ड्रेसेस वगैरह बनाने में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तो लोग जो हैं इससे बने कपड़े और शर्ट्स वगैरह पहनते हैं। टेरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। इसके अलावा एक और जो पॉलिएस्टर की बात हम कर रहे हैं वो टेरेलिन पॉलिएस्टर की क्वालिटी है, ये टेरेलिन इसकी एक प्रजाति है। तो पॉलिएस्टर जो है टेरेलिन पॉलिएस्टर की ही एक प्रजाति है टेरेलिन, ये भी सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। अब ये जो टेरेलिन है इसको पतले पतले फाइबर्स में, एकदम पतले धागों में इसको निकाला जा सकता है ताकि इसको दूसरे यार्न, यार्न मतलब ऊन की तरह इससे भी कपड़े बुने जा सकें। अब यहाँ पर बताया गया, देखिए, माई मदर ऑलवेज बायज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर वॉट पेट इज़। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ये बॉटल्स खरीदते हैं किसके लिए, चीज़ों को स्टोर करने के लिए जार्स वगैरह खरीदे जाते हैं। अब पेट बॉटल्स क्या है, PET इज पेट, पेट मतलब पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट। अब ये जो है ये पेट PET का फुल फॉर्म है। इट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो ये भी एक तरह का क्या है, पॉलिस्टर है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो इनका उपयोग किया जाता है पेट का, पॉलिस्टर की बहुत सारी चीज़ें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें पेट जार्स हम सुनते हैं। अभी आप कभी शॉपिंग मॉल जाएँ तो वहाँ पर प्लास्टिक की जो बॉटल्स रहती हैं उसके ऊपर देखिएगा लिखा होगा पेट बॉटल्स। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली एंड ईस्टर। और पॉलिस्टर जो है ईस्टर जो यूनिट हम बोलते हैं ईस्टर को रिपीट करके बनाया जाता है। देखिए हमने पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीसिंथेटिक, इसकी डेफिनेशन क्या पड़ी थी पॉलीमर की, पॉली मतलब मैनी, मर मीन्स यूनिट, मैनी यूनिट्स। तो यहाँ पर पॉलिस्टर इसलिए कहा गया है कि ईस्टर की बहुत सारी यूनिट्स को मिलाकर बनाया जाता है पॉलिस्टर। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ईस्टर्स क्या है, ईस्टर्स वो केमिकल्स हैं जो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं। फ्रूट्स के अंदर जो स्मेल रहती है वो ईस्टर्स के कारण ही रहती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक। अब यहाँ पर जो फैब्रिक्स हैं पॉलिस्टर के उनको बेचा जाता है किस नाम से, पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एट्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीवुल, टेरिकॉट, यानी कि इनको जो बनाया जाता है दो तरह के फाइबर्स को मिलाकर बनाया जाता है। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉटन की, पॉलीकॉट की बात की जाए, पॉलीकॉट शब्द जो है वो पॉलिस्टर और कॉटन को मिलाकर बनाया जाता है। पॉलीवुल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। पॉलीवुल की बात करें तो ईस्टर, पॉलिस्टर और वुल का मिक्सचर रहता है। नाश्ता वास्ता नहीं बनाया मैडम? अच्छा, रोटी बना रही। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। अब जब हम लोग स्वेटर्स और शॉल्स का यूज़ करते हैं सर्दियों के समय, वो जो है वो वुल से बने नहीं होते हैं, नेचुरल वुल से ज़्यादातर हमें लगता है कि वो वुल जैसे हैं बट वो वुल से नहीं बने थे। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। तो ये जो वुल और शॉल्स वगैरह आप यूज़ करते हो वुल के बने जो कपड़े उस समय, वो ज़्यादातर एक्रेलिक से बने होते हैं। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। देखिए नेचुरल जो वुल रहती है बहुत महंगी रहती है, जबकि एक्रेलिक जो है वो सस्ता रहता है रिलेटिवली। दे आर अवेलेबल इन वराइटी ऑफ कलर्स। इनका कलर भी अलग अलग होता है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं बहुत ड्यूरेबल और अफोर्डेबल रहते हैं, जिस कारण से इनको नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है। यानी कि नेचुरल फाइबर आप लेने जाएंगे बहुत महंगा होगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं रहेगी, इसी कारण से हम सिंथेटिक फाइबर्स का उपयोग ज़्यादा करते हैं। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. What did you observe when you burn synthetic fiber? You find that their behavior is different from that of natural fibers. You must have noticed that the synthetic fibers melt on heating. अब यहाँ पर हम जब गर्म करेंगे इनको जलाएंगे तो synthetic fibers होते हैं वो गर्म करने पे पिघल जाते हैं या This is actually a disadvantage of synthetic fiber. तो ये जो
चलने के समय पिघल जाते हैं, ये इनका डिसएडवांटेज है। इनकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज यही मानी जाती है कि जलाने पे ये पिघल जाते हैं। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस, अगर इसको आग लग जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट, फैब्रिक जो है वो मेल्ट होगा यानी कि पिघलेगा और वो हमारी बॉडी को चिपक जाएगा। तो जो आदमी इसको पहन के बैठा है, वो आदमी अगर उसके कपड़ों को किस तरीके से चिंगारी आग लग जाती है तो वो जो पिघल के कपड़ा उसकी बॉडी को चिपक जाएगा। यू शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन लेबोरेटरी, जब हम किचन में काम करते हैं, लेबोरेटरी में, ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर आग लगने का खतरा रहता है, खासकर दिवाली के समय जब हम पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो हमें इस तरह के कपड़े, सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उस समय में कॉटन का उपयोग करना चाहिए। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. जो synthetic fibers हैं वो petrochemicals का उपयोग करके बनाए जाते हैं। Characteristics of synthetic fiber, अब हम पढ़ेंगे synthetic fiber के कुछ characteristics के बारे में। Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why?